आइए आइए मिस्टर आदित्य. बड़े खुश लग रहे हैं आप. चलिए थैंक यू कहिए. आपने मुझे रुकने को कहा और मैं रुक गई. थैंक्स. I must say you are a beauty with brains. आप सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि अकल भी कमाल की. I'm impressed. Impressed? आप मुझसे बहुत पहले से impressed हैं. वरना मुझे रुकने के लिए नहीं कहते. As if आप तो रुकना ही नहीं चाहती थी. वैसे गोवा भी कमाल की जगह है. और अगर कंपनी का AMD वहाँ शूट पर आ जाता तो I'm sure और भी मजा आता. कंपनी के AMD के साथ साथ अगर कंपनी की MD यानी आपकी बीवी साथ होती तो और मजा आता. नहीं मैं थोड़ा सा कब होता है. एनीवे आई सी यू. ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ. मैं वेट करूँ. शाम को आपसे मिलने के. बाय. सी यू. जितना दर्द तुमने मुझे पहुंचाया है उतना ही दर्द मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी आदित्य जगन्नाथ. नीरज. हेलो नीरज. हेलो शिखा. शिखा मैं फिर से हार गया. क्या बोल रहे हो तुम नीरज? I'm really sorry. मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया. तुम ठीक तो हो ना? इतने इतने परेशान क्यों साउंड कर रहे हो नीरज? कुछ तो कहो, मुझे घबराहट हो रही है. हेलो. नैना, इतना क्या सोच रही हो? समायरा के बारे में सोच रही थी कि भले ही वो लड़की हमेशा अपने देश से बाहर रही हो, भले ही वो एक बड़ी स्टार बन गई हो, लेकिन वो अपने संस्कार बिल्कुल नहीं भूली. लेकिन अचानक तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? ऐसी सोच रही थी कि कितनी परफेक्ट लड़की है ना समायरा. एक अच्छी वाइफ बनने की सारी क्वालिटीज है उस लड़की में. वो जिसके साथ भी शादी करेगी ना वो बहुत लकी होगा. नीरज. 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 नीरज क्या हुआ? तुम फोन पे इतना परेशान क्यों साउंड कर रहे थे? इस बार मैं हार गया शिखा. मतलब? मतलब तुम्हारी बुक पब्लिश होने का जो वादा मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया. उस पब्लिशर ने बुक रिलीज करने से मना कर दिया. क्या? और ये बात मेरे घर वालों को पता है? नहीं शिखा, अभी उन्हें कुछ नहीं पता. लेकिन कब तक छुपाएंगे हमसे? कुछ नहीं कर पाया मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए. नीरज आज तो तुमने ये बात कह दी लेकिन आज के बाद ये बात कभी मत दोहराना कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया. तुमने तो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, मुझे सहारा दिया और आज जिस मुश्किल के सामने तुम घुटने टेक रहे हो. नहीं कभी नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा. तुम फिक्र मत करो. लो एल्बम आ गया. मैं इसी के बारे में बात कर रही थी.
Let me show you. ये देखो आर्या, ये मधु और ये जय. So cute. इसमें आर्या साइकिलिंग सीख रही थी अपने डैड से. You know what, Samaira? मैं जब साइकिल चलाना सीख रही थी ना, इतनी बार गिरी ना कि I can't tell you. But seriously, hats off to my dad. मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन डैड ने नहीं किया. मम्मी, जब आप गुस्सा होते हो ना, तो बहुत खूबसूरत लगते हो. I love you, dad. Samaira, हमारे आंखों में आंसू. Are you all right, Samaira? Yeah. बस आप दोनों के प्यार को देख के डैड की याद आ गई. तो फिर उन्हें इस बार यहां बुला लो. I mean, तुम उन्हें इतना याद करती हो, उनकी यादों में इतना आंसू बहाती हो. It's just so sad to see. मधु बिल्कुल ठीक कह रही है समायरा. तुम फोन पर कितनी भी बात कर लो, लेकिन तसल्ली तो मिलकर ही होती है ना. तुम्हें जो इतना स्ट्रेस वगैरह होता है, वो सब दूर हो जाएगा. हाँ, और प्लीज इस बार ये मत कहना कि तुम्हारे डैड बहुत बिजी हैं. अपनी बेटी के लिए इतना टाइम तो वो निकाल ही सकते हैं. आखिर हमें भी तो पता चले कि वो तुमसे प्यार करते भी हैं या नहीं. I mean, for sure करते होंगे. After all, हर डैड अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं. Right, Dad? Absolutely. I'm sure. तुम मुझसे कहोगी तो वो मना नहीं करेंगे. क्यों आदि? हाँ मैडी, बिल्कुल. हमारा एक्चुअली वारुण से कॉल है. हम सबको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा. पर डैड इंडिया में. समायरा, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा. बुला लो उन्हें. कम ऑन समायरा, अब तो अपने डैड को बुला ही लो इंडिया, क्योंकि जब वो आएंगे तब तो तुम्हें यहां से जाना ही पड़ेगा. ठीक है, जाओ. ओके मैम. रिक्वेस्ट तो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं की. ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूं और तुम मेरी सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. Samaira, I'm really thankful to you for everything. मैं तुम्हें आज रात 8 बजे पूल साइड पर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूं. हेलो आशिका. नीरज, बहुत जरूरी बात करनी है. बताओ ना. नहीं, ऐसे फोन पे नहीं, मिल के बताऊंगी. ठीक है, मुझे फोन करके बता देना कितने बजे मिलना है. ओके, बाय. किससे बातें कर रही थी? बहुत टेंस लग रही हो तुम. अब नहीं, इट्स नथिंग. अब मेरे डिजाइनर का कॉल था, कॉस्ट्यूम के कुछ इश्यूज चल रहे हैं. सो आपका कुछ काम था? अरे हाँ, जय बता रहा था कि हमारे एयरलाइंस का जेट स्विट्जरलैंड जा रहा है, इस वीकेंड पर वापस आ जाएगा. तो मैंने सोचा कि तुम्हारे डैड हमारे जेट से यहाँ आ सकते हैं. नहीं, एक्चुअली ना डैड बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं. सो उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं. वो सब छोड़ के इतने शॉर्ट नोटिस पे आना, वो नहीं आ पाएंगे. कोई बात नहीं,
उनसे ये भी कह देना कि सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। इस वीकेंड पर जरूर जरूर आ जाए। ऑलराइट? पक्का। ओके। गॉड, इस वीकेंड पे गिड़गिड़ाते हुए अच्छे नहीं लगते। किस ख्याल में खोए हो आदि? आड़ी? कुछ नहीं, वो शाम को एक बिजनेस मीटिंग है, बस उसी के बारे में सोच रहा था। बिजनेस मीटिंग? अगर काम में इतना ही ध्यान है तो फिर पिछले कुछ दिनों से तुमने किसी भी ऑफिशियल मेल का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कमाल करती हो मैडी तू, जानती हो मेरे पैर का क्या हाल था, ऑफिस आने की हालत में नहीं था मैं। किस जमाने की बात कर रहे हो तुम आदि, कि ऑफिस आए बिना काम नहीं कर सकते? तुम्हारे मोबाइल पे तुम्हें मेल्स नहीं मिल रहे, घर पे इंटरनेट नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है, व्हाट इज इट? अगर काम करने का मन नहीं है ना तो फिर बेफजूल बहाने मत बनाओ। अरे तुम जानती भी हो कितनी तकलीफ में था मैं, एक कदम नहीं चल पा रहा था, और उस हालत में क्या मूड होता है ये तुम नहीं समझोगे। इट वॉज इरिटेटिंग। तुम तो थी नहीं मेरे पास जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें मेरी, बड़े खुश थे तुम समायरा के हाथों अपनी हर जरूरत पूरी करवाते, राइट? वो थी ना तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, टाइम पर दवा देने के लिए। और फिर जब समायरा जैसी सेलिब्रिटी तुम्हारा ख्याल रख रही हो तो फिर किसी का भी मन काम करने के लिए कैसे हो सकता है, राइट? मैडी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मत बताओ क्या है और क्या नहीं है आदि, वंस टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाँ, एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर की जिस पोजीशन पे तुम बैठे हो ना उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, सो प्लीज रिस्पेक्ट इट। वरना सोच लेना जिस कुर्सी पे मैं तुम्हें बिठा सकती हूँ उस कुर्सी से हटा भी सकती हूं। अब आप मधु के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो लगता है कि मधु आपको ढंग से समझ नहीं पाए। कभी मौका लगा तो उसे जरूर बताऊंगी कि वो कितनी लकी कि उसे आप जैसा हस्बैंड मिला। अगर मैं मधु की जगह आपकी, क्या हुआ? Are you okay? आप बहुत लो साउंड कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मूड खराब है। कहीं आपकी हिटलर बीवी ने आपको फिर से कुछ कह तो नहीं दिया? और वैसे भी अब तो आपको अपनी बीवी के गुस्से की आदत पड़ गई होगी। आदत तो मुझे आपकी कंपनी की पड़ गई है। वक्त के साथ आदतें छूट भी जाती हैं आदित्य, लेकिन मैं आपकी आदत नहीं छोड़ूंगा। फिर एक बात याद रखिएगा, मेरी इतनी भी आदत मत डाल लीजिएगा कि वो लत बन जाए।
और वैसे भी आप मेरी बातों से क्यों डरने लगे? डरते तो आप मधु से हैं। पता है आदित्य, मधुरिमा आपके साथ कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव करती है। आई थिंक उसे लगता है कि उसने आपके साथ शादी करके आपकी किस्मत खोल दी है, आप पे एहसान किया है। लेकिन मुझे लगता है कि यू डिजर्व अ लॉट मोर। अच्छा तो क्या डिजर्व करता हूँ मैं? बड़ी जल्दी है जानने की, वेट कीजिए, शाम को पता चल जाएगा। अमादू की सेक्रेटरी को अंदर भेजना। यस सर। अमादू की मीटिंग्स का स्केड्यूल क्या है आज? अभी मैम की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, उसके बाद शाम को 7 बजे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, थैंक यू। वही जो पिछले महीने ओबेरॉयस की शादी हुई थी ना, उसी के वेडिंग प्लानर के बारे में बात कर रही है। कितनी शानदार अरेंजमेंट की थी ना उन्होंने। हाँ हाँ, तो आप मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। मॉम, ये वेडिंग प्लानिंग लेकिन किसके लिए? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा आर्या। एक मिनट, आप कहीं मेरी शादी वादी तो प्लान नहीं कर रहे ना? अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? ओ मॉम प्लीज, अब ये शादी वादी के चक्कर में मुझे ना ही डालो ना, तो ही अच्छा है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जय की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। जय की? लेकिन किससे? समायरा से। समायरा? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। आपने उससे पूछा उसे जय पसंद भी है या नहीं? उससे भी बात कर ही लूंगी, और वैसे भी समायरा के डैड आ रहे हैं ना स्विट्जरलैंड से, मौका देखकर रिश्ते की बात छेड़ दूंगी। लो, वहाँ मैं और जय समायरा को अदिति के करीब लाना चाहते हैं, और यहाँ मॉम तो समायरा की शादी जय से प्लान करके बैठी है। माय गॉड, क्या इतनी जल्दी? हाँ, अरे होगा कैसे? पता नहीं नीरज, लेकिन कैसे भी करके जल्द से जल्द मुझे एक नकली फादर का अरेंजमेंट करना है, वो भी इसी वीकेंड तक। जगन्नाथ पीछे पड़ गए, अगर उन्हें हल्का सा भी शक हो गया ना, तो हमारी पूरी मेहनत, हमारा पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन ऐसे में हम किसी को भी नहीं लेकर जा सकते। मतलब? अगर कल को वो भी हमें ब्लैकमेल करने लगा तब क्या करेंगे? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। क्या? देश बदल के तुम अंकल को, यानी अपने असली पिता को लेकर जा सकती हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें उनके सामने आना पड़ेगा। उनकी जान को खतरे में डालकर मुझे उन्हें कोई खुशी नहीं देनी है। मैं जानती हूं कि वो दुखी है, परेशान है, कि वो एटलीस्ट सेफ है नीरज, और मेरे लिए ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। और रही बात उनका दुख दूर करने की, तो सही समय पर उनके सामने आकर मैं उनका दुख भी दूर कर दूंगी। लेकिन अभी हमें कोई तो चाहिए जो हमारी मदद करे। ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और मैं किसी को ढूंढने की बेवकूफी देने का दूंगा। इसमें बेवकूफी की क्या बात हुई? एक कोई तो होगा ना जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। अगर कल को वो भी डॉक्टर के असिस्टेंट के साथ निकला तब क्या करेंगे? याद नहीं कितना परेशान किया था उसने हमें, तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? वो भी तुम्हारी वजह से हुआ था ना, तुम उस पर चिल्लाते और नीरज, क्या ही? ये तुम पूछ रही हो मैडी? तुम भूल गई?
हमारी फेवरेट कार एग्जीबिशन। मुझे तो लगा इन इनवाइट्स को देखकर तुम हर साल की तरह सुपर एक्साइटेड हो जाओगी, लेकिन तुम तो। मेरे पास ये सब जगह जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं, और वैसे भी आज शाम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है।